Hyderabad International School, CBSC Plus Exceed Syllabus, which is followed in eight countries. Modern plus Islamic education, five-step activity-based and playway method, launching separate branches. असलम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज दूसरी अगस्त मंडे का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें जीका वायरस तेजी से केरला और महाराष्ट्र में फैल रहा है महाराष्ट्र स्टेट में अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखी जा सकती है इस दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में पहला जिका वायरस केस पाया गया है बेलसार पुणे डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली खातून से हेल्थ डिपार्टमेंट ने 50 साल पेशेंट का इलाज किए जिससे वो मुकम्मल रिकवर हो चुकी है जिका वायरस से फिलहाल उनके परिवार वालों की भी जाँच की जा रही है जिसमे जीका वायरस के सिम्टम्स नहीं देखे गए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाते हैं उन्होंने ऐलान किया कि कोविड 19 वबा के चलते उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी यानी इस बार उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी मुकुल गोयल ने इस ताल्लु से गाइडलाइंस जारी किए और सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए उत्तर प्रदेश में किसी को भी मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कोविड नाइन्टीन के चलते सीएसआईआर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर सिंह मंदे ने कहा कि किसी भी तरह आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल होने वाली है लेकिन उन्होंने कहा कि ये बताया नहीं जा सकता है कि लहर कब कैसे आएगी और कितनों को मुतासर करेगी सी एस आई आर के चीफ ने कहा की वैक्सीनेशन और मास्क का लाजिमी इस्तेमाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर को दाखिल होने से रोक सकता है डॉक्टर मंदे ने कहा की अचानक केरला स्टेट में कोविड नाइन्टीन केसेस में इजाफा देखा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट और दिगर वेरिएंट के सब दिन पे दिन केसेस में इजाफा देखा जा रहा है ईरान आया दोबारा कोरोना वायरस की चपेट में ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दो हफ़्तों का लॉकडाउन ऐलान किया है ताकि ईरान में बढ़ते हुए कोविड नाइन्टीन केसेस पर काबू पाया जा सके फिलहाल ईरान की हालत बहुत ख़राब है कोविड नाइन्टीन केसेस में इजाफा दिन पे दिन होते जा रहा है मशहूर टिकटॉक स्टार की मौत हो गई उनके जख्मों के वजह से एक नाम पर ओपन फायर कर दिया कैलिफोर्निया मूवी थियेटर में अर्च के स्क्रीनिंग के दौरान कहा। बरजास, 19 साला, जो मंडे के दिन मारे गए थे बताया जा रहा है की दूसरा विक्ट है इससे पहले भी एक शख्स की मौत हुई थी जिसका नाम ब्रायली गुड रिच था अठारह साल इन दोनों के मौत के पीछे किसका हाथ है पुलिस तई में मसरूफ है यूनाइटेड अरब एमरेट्स यानी यूएई इंडियन शहरियों का पहला पसंदीदा देश बन गया है जहां इंडियन शहरी जॉब्स करना चाहते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री को कहा गया कि पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड पेश किया जाए इंडियन गवर्नमेंट इमीग्रेशन ऑफिस से जमा करके अफगानिस्तान खानदार एयरपोर्ट के फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया संडे के दिन बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाका होने के बाद इस एयरपोर्ट के फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर देना पड़ा तफसलात के मुताबिक तालिबान मिलिटेंट्स ने तीन रॉकेट्स खानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाले जिससे रनवे एयरपोर्ट तबाह हो गया और फौरन फ्लाइट सस्पेंड कर दिए गए